हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पालक दाल की रेसिपी। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे मिक्स दाल, पालक के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और पानी डालकर हम इसमें 3 सीटी लगा लेंगे। तीन सीटी लग गए हैं और ये देखिए दाल भी अच्छे से पक गया। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून घी और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग और 2 साबुत खड़ी लाल मिर्च और हम डालेंगे 1 बारीक कटा प्याज और इसे हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे टमाटर और टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, तब हम डाल देंगे यहाँ पर दाल और साग जो हमने पहले रेडी किया था और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, दाल और साग जो है बनकर रेडी है। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है, तो इसे आप बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।